हाय गाइस, माय नेम इज संतोष कुमार एंड आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। एंड अगर गलती से आपने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज संतोष कुमार एंड ऑन दिस चैनल वी मेक्स वीडियो रिलेटेड टू अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, वीडियो गेम्स, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड गेम्स। एंड टुडे वी डू हैव अ डिफरेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। डेफिनेटली एज बीइंग अ टेक चैनल, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट फॉर मी टू टॉक अबाउट द करेंसी चेंजेस। बट या सम ऑफ यू माइट बी इंटरेस्टिंग। But yeah, let's give it a shot. Let's get started. And definitely guys, we are about to be part of biggest history change. There is no doubt. And yeah, I know that I'm a bit late in making this video. So accept my apologies for this. But the information which is I'm about to share in this video, guys, definitely worth it. गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से हमारे जो 500 के और 1000 के नोट थे उनको रिप्लेस कर रही है और सारे नोटों को एक मेन ब्रांच में लाया जा रहा है। डेफिनेटली वो RBI ब्रांच ही है। और उसके बाद उन नोटों के साथ क्या किया जाने वाला है उसका आपको कोई अनुमान भी नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर में क्या होने वाला है उन नोटों का जो कि रिप्लेस कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जो हमारे पुराने 500 के और 1000 की जो करेंसी थी उनके साथ अब क्या होने वाला है और सरकार क्या करेगी। डेफिनेटली गाइस, ये ट्रू है कि हर कंट्री का एक अपना ही तरीका होता है जो करेंसी आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उससे निपटने के लिए। एंड सो आइए बात करते हैं इसके बारे में। ये जो सारा पैसा जमा किया जा रहा है बैंकों में, उन सारी करेंसियों को RBI भेजा जाएगा और उसके बाद उनको एक श्रेडिंग मशीन होती है, स्पेसिफिक देयर इज अ स्पेशल श्रेडिंग मशीन। उस श्रेडिंग मशीन में उसमें डालकर सारे नोटों को छोटे छोटे पीसों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद उनको जलाया जाएगा और जलाने के बाद उनका इस्तेमाल किया जा सकता है घर बनाने में, ईंटें बनाने में या फिर सड़कें बनाने में। गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने भी कुछ ऐसे किया था 1990 में, जब उनकी सारी करेंसी चेंज की जा रही थी, उन्होंने सारी करेंसी को जलवा दिया था और उसके बाद उनकी ईंटें बनवाई थी और ईंटें बनाने के बाद उनका यूज़ किया गया था घर बनाने में। गाइस, कैन यू इमेजिन, जो नोट 500 के और 1000 के हम लोग अपनी जेबों में लेकर घूमते थे बड़े शौक के साथ, उनको सरकार ऐसे ही जला देगी और ईंटें बनवाई जाएंगी उनकी। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट टू बी हैपन। अगर बात करें अमेरिका की, तो उन्होंने उसका कुछ डिफरेंट यूज़ किया था। उन्होंने उसका यूज़ किया था क्राफ्ट वर्क बनवाने के लिए। उन्होंने उसको चैरिटी को दे दिया था और छोटे बच्चों के स्कूलों में दे दिया गया था। उसके बाद उनका क्राफ्ट में यूज़ किया गया था। अगर मैं बात करूँ हंगरी की, तो उनके पास अपना एक अलग ही तरीका है। उन्होंने सारे नोटों की श्रेडिंग करवाई थी और उसके बाद श्रेडिंग करवाने के बाद सारे लोग जो सड़कों पर रहते थे, जिनके पास घर नहीं थे सर्दियों में, उन्होंने उसका यूज़ किया था गर्म रहने के लिए, आग तापने के लिए, उन सभी को जलवाया गया था। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट टू बी हैपन। सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू, प्लीज़ डू गिव मी थम्स अप, एंड इफ़ यू डोंट, प्लीज़ डू गिव मी थम्स डाउन। एंड डेफिनेटली गाइज, यू मस्ट बी हैविंग समथिंग टू से, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज योर संतोष कुमार साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।